जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रियाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट लाइन। ये चैनल आपका है, आप जैसे चाहें उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा मेरे चैनल पर 10,000 से ज्यादा यानी 600 सब्सक्राइबर हो गए। अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, देखिए थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। जैसे कि मेरे 10,000 से लेके 10,000 सब्सक्राइबर जो हैं वो मेरे एकदम डेड, जो 400-500 सब्सक्राइबर हैं वो मेरे एक्टिव सब्सक्राइबर हैं। 10,000 सब्सक्राइबर कैसे मैं बता रहा हूँ वो इस वजह से, क्योंकि मेरा चैनल जो है पहले किसी और कैटेगरी का था, मैंने कैटेगरी चेंज करी, मेरे व्यू डाउन हो गए और अब व्यू नहीं आते, क्योंकि अब मैंने जो अभी जो कम से कम 50-60 वीडियो डाले हैं वो मैंने स्मार्टफोन के टेक से रिलेटेड डाले। इससे पहले मैं ट्रैक्टर की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताया करता था मुझे, लेकिन मुझे इंटरेस्ट जो है स्मार्टफोन के बारे में था और है। इस वजह से मैंने कैटेगरी चेंज करी, जिसकी वजह से मेरे व्यू डाउन हो गए और ये चैनल पे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो 10,000 मेरे सब्सक्राइबर 10 से 12,000 वो अब वापस नहीं आते। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर अब जो आते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं, जो भी वीडियो देखते हैं वो एकदम न्यू होते हैं, रिटर्न में सिर्फ 100-150 लोग ही वापस आते हैं 10,000 में से, वरना नहीं आते। लेकिन मेरे जो एक्टिव सब्सक्राइबर हैं, जो आप लोग हैं, वही मेरे इस वीडियो को देखते हैं। तो इस वजह से मैं बता देता हूँ यही कि 10,000 सब्सक्राइबर मत देखिए, मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ 400-500 हैं, बाकी 10,000 डीएक्टिवेट हैं समझ लो, क्योंकि वो वापस नहीं आते या ट्रैक्टर के बारे में जानना चाहते थे। तो चलिए मैं आज जिस स्मार्टफोन के बारे में बात करता हूँ, वो लॉन्च हुआ तो काफ़ी पुराना, 10 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था, लेकिन इस वक्त मांग उसकी काफ़ी अच्छी है, लोग स्मार्टफोन को वापस मांग रहे हैं। कम प्राइस में भी आपको स्मार्टफोन मिल रहा है, Redmi का है, पावरफुल बेस्ट स्मार्टफोन कहा जा सकता है, Redmi Note 9 Pro Plus, अच्छा स्मार्टफोन है। 10 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था, डिजाइन बेहतरीन दी गई थी जब यह स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, लोगों को पसंद भी आया था। आज भी इसकी रेटिंग 10 में से 8 बनी हुई है, 5 स्टार में से भी 4.2 स्टार रेटिंग लोगों ने दे रखी है, तो रेटिंग काफी अच्छी है स्मार्टफोन की। आज भी डिस्प्ले बेहतरीन मिल जाती है, कई कलर से ब्राइटनेस हाई मिल जाता है स्मार्टफोन में, बेहतरीन डिस्प्ले और कैमरा सेट भी अच्छा मिल जाता है स्मार्टफोन में। हाँ, एंड्रॉइड भी 13 पे काम करता है, मीडियाटेक डायमेंसिटी का 7200 अल्ट्रा का चिपसेट मिलता है, गेमिंग प्रोसेसर है, आप बड़े बड़े गेम खेल सकते हैं। देखिए सभी कंपनियां जो है इस साइज के डिस्प्ले लॉन्च करती हैं, जो कि 6.67 इंच की डिस्प्ले लोग इस्तेमाल करते हैं, एकदम परफेक्ट डिस्प्ले, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है ना बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो 6.67 इंच की डिस्प्ले काफ़ी अच्छी डिस्प्ले मानी जाती है। एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 1220x2712 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली, यानी काफी हाई ब्राइटनेस वाली डिस्प्ले मिलती है, रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है 1.5K रेजोल्यूशन वाली, HD प्लस मिलती है, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो एक अच्छी डिस्प्ले कही जा सकती है, वाटरप्रूफ डिस्प्ले, IP64 की रेटिंग मिली हुई, एक बेहतरीन स्मार्टफोन रहा जब ये लॉन्च हुआ, आज भी लोग पसंद कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। कैमराज की अगर बात करें इस फोन की, 200 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिलता है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, 200 मेगापिक्सल का जो लेंस है वो 10x डिजिटल जूम का है, वाइड एंगल प्राइमरी लेंस, अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर आपको मिलता है, जो कि ठीक ठाक फोटो वगैरह क्लिक करता है, सामने बैक रियल से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं मैन कैमरे से। फ्रंट की बात करें 16 मेगापिक्सल का लेंस मिलता है, लेकिन 4K वीडियो फ्रंट कैमरे से नहीं रिकॉर्ड कर सकते, सिर्फ 5000 mAh की बैटरी 120 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करने वाली, टाइप सी मिलती है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज में मिल जाएगा, 1TB तक स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, परफेक्ट धमाकेदार जबरदस्त स्मार्टफोन कहा जा सकता है, इस Redmi का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है, लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया स्मार्टफोन को और रेटिंग वगैरह सब कुछ ठीक ठाक। इसकी प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस भाई कम ज्यादा मैं बात करता हूँ, 12GB रैम 512GB स्टोरेज वाले की कीमत है 37,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा अमेजोन पर, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ 8GB रैम 256GB स्टोरेज वाले की कीमत 27,000 रुपए के आसपास स्मार्टफोन पड़ेगा, ये थोड़ा महंगा था, अब कुछ डिस्काउंट भी मिल रहा है। थैंक दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग, वीडियो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अपना समझ के। जय हिंद जय भारत, कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स खुला है।